सृष्टि के आरंभ में युगों पहले महायोगी शिव अपने निवास स्थान कैलाश से देवी माँ के पास लौटे थे। शिव के आगमन का जश्न मनाते हुए देवी उनकी शाश्वत पत्नी ने उनका स्वागत किया। वो उनका ध्यान रखने लगी। यह एक आनंदमय समय था जो लाखों वर्षों तक चला। परंतु फिर भगवान शिव ने फिर से कैलाश जाने का निर्णय लिया। माँ देवी ने शिव से पूछा, प्रभु यहाँ सब कुछ सही है, उत्तम है, फिर आप कैलाश क्यों जाते हैं जहाँ आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है? देवी, परिवर्तन के अपने कार्य को पूरा करने के लिए मैं कैलाश पर ध्यान लगाने जाता हूँ, शिव ने उत्तर दिया। बाहर इन तारों को देखिए, इनमें से कुछ के जीवन रूप हमारे जैसे ही होते हैं, शिव ने उज्जवल तेज ब्रह्मांड की ओर इशारा करते हुए कहा। परंतु उनके पास आप जैसी साम्राज्ञी महारानी नहीं है, उन्हें अधिक दुख और पीड़ा है, देवी माँ ने कहा। मैं उस दुख को समझती हूँ क्योंकि मैं उसका अनुभव करती हूँ जब आप कैलाश पर ध्यान के लिए प्रस्थान करते हैं, परंतु पीड़ा क्या है? शिव ने तर्क दिया। उनकी दुर्दशा को समझने के लिए आपको उनके संसार का हिस्सा बनना होगा, देवी माँ ने उत्सुकता से कहा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ महादेव, मैं इन भावनाओं को महसूस करना चाहती हूँ। शिव जानते थे कि देवी माँ की इच्छा के अनंत परिणाम होंगे, पर ब्रह्मांड को अपने अगले चरण में प्रवेश करना था। देवी, अब आप वो देखने वाली है जो पहले किसी ने नहीं देखा, शिव गंभीरता से बोले। महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षी। देवी माँ ने स्वयं सहित सब कुछ शिव के सार्वभौम रूप में विलीन होते देखा। शिव नटराज संप्रभु नर्तक बने और सृष्टि काल तक इसी रूप में रहे। नाव से बाणों की तरह उनके शरीर से कई नए ग्रह निकलने लगे। पृथ्वी का निर्माण हुआ, फिर पांच तत्वों से देवी माँ की उत्पत्ति हुई। दक्ष और प्रसूति की बेटी के रूप में उन्होंने अपने जीवन में पीड़ा, कष्ट और उदासी का अनुभव किया। अब मैं जानती हूँ यह दर्दनाक है, परंतु मेरे पास आप हैं और यह परम आनंद की बात है, किंतु बाकी सृष्टि का क्या प्रभु? उन्होंने शिव से कहा। देवी, कोई पीड़ा नहीं है, केवल अज्ञानता है, शिव ने उत्तर दिया। पीड़ा केवल एक दृष्टिकोण है, अज्ञानता के कारण उन्हें स्रोत से जुड़े रहना होगा, क्योंकि इसमें वह सारा ज्ञान है जिनकी उन्हें आवश्यकता है, देवी माँ ने पूछा। उस स्रोत से कैसे जुड़े महादेव? मेरे डमरू द्वारा उत्पन्न किसी भी आवाज को चुने, सब कुछ उन्हीं ध्वनियों से उत्पन्न हुआ है, शिव ने सृष्टि का रहस्य दिया। पर मेरे अलावा उसे किसी ने नहीं सुना और मैं स्वयं भी उस समय मंत्रमुग्ध थी, देवी माँ ने तर्क दिया। शिव ने अपने सौम्य भाव में प्रेम से किए जाने वाले नृत्य का उल्लेख करते हुए कहा। जब तक मैं तांडव नहीं करता, प्रतीक्षा करें। भगवान शिव ने अपना डमरू उठाया और आरंभ किया। उनके कुंडल ने कुंडलिनी के बीज अक्षरों को जन्म दिया। उनके डमरू से अन्य मंत्र निकले, स्त्रैण पौरुष या सृष्टि के तटस्थ पहलू का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न ध्वनियां उभरने लगी। प्राचीन ऋषियों ने इन ध्वनियों को सुना और उन्हें दृष्टा कहा गया। उन्होंने इन ध्वनियों को महेश्वर सूत्र के नाम से जाने जाने वाली 14 श्रेणियों में विभाजित किया। उन्होंने इन मंत्रों को पृथ्वी पर समृद्ध परंतु अत्यंत पीड़ित जातियों के लिए संरक्षित किया। अयुण, ऋक, एओम, एओच, हैवरट, लण, नमन्नम, झभन, घर्धष, जबगर्दश, खफ, छठ, थट, तव, कपय, शशसर, हल। मंत्र सभी ध्वनियों के स्रोत तक जाने का एक मार्ग है। संसार की पहली आवाज, वेदों ने इसे नाद ब्रह्मा या शब्द ब्रह्मा कहा। यही है मंत्रों की कहानी, शाश्वत ध्वनि ऊर्जा जो हमें स्रोत से जोड़ती है।